सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2,03.69 करोड़ रुपए के बकाया वसूली के लिए महाराष्ट्र में स्थित और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे के परिवार के नियंत्रण वाली सहकारी चीनी मिल की ई नीलामी के लिए एक नोटिस जारी किया। बैंक की तरफ से मंगलवार को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस के अनुसार वैद्यनाथ सहकारी चीनी कारखाने की ई नीलामी 25 जनवरी को होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2,03.69 करोड़ रुपए के बकाया वसूली के लिए महाराष्ट्र में स्थित और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे के परिवार के नियंत्रण वाली सहकारी चीनी मिल की ई नीलामी के लिए एक नोटिस जारी किया। बैंक की तरफ से मंगलवार को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस के अनुसार वैद्यनाथ सहकारी चीनी कारखाने की ई नीलामी 25 जनवरी को होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2,03.69 करोड़ रुपए के बकाया वसूली के लिए महाराष्ट्र में स्थित और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे के परिवार के नियंत्रण वाली सहकारी चीनी मिल की ई नीलामी के लिए एक नोटिस जारी किया। बैंक की तरफ से मंगलवार को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस के अनुसार वैद्यनाथ सहकारी चीनी कारखाने की ई नीलामी 25 जनवरी को होगी।